Audio Jungle. सतवीर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचडी कैंपस आगरा पर। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक किया करो और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारा चैनल एचडी कैंपस आगरा को सब्सक्राइब कर लें। तो अब तक हमें डाइस पढ़ा रहा था, डाइस में पासे में अब तक 3 क्लास हो चुकी हैं, ये चौथी क्लास है। इसमें आज हम जो है ओपन डाइस खुला हुआ पासा देखेंगे कि कोई भी बंद पासा है उसको कैसे खोला जा सकता है, क्या रहता है। तो आज पूरा ओपन डाइस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सभी लोग पूरी वीडियो देखें, अच्छे से देखें और जो भी प्रॉब्लम आए, कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट करें और अगली वीडियो में ज़रूर उसका सॉल्यूशन होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज पहला अपना ओपन डाइस। ओपन डाइस देखो, कोई भी पासा अगर उसको हम खोल दें, अगर उसका हम विस्तार कर दें, खोल दें, तो वो कुछ हमें इस प्रकार का दिखाई देता है। ये वाला जो है ये ऐसे करके हमें दिखाई देता है अगर किसी भी डाइस को खोलने पर, ठीक है। तो ऐसे दिखाई देगा, इसमें क्या रहता है, कोई भी डाइस के क्वेश्चन को करने के लिए, ओपन डाइस के क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले अपोजिट सरफेस का पता होना चाहिए। जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ जिसमें हमें बताना है कौन सा अंक किस अंक के अपोजिट है, तो जैसे ये वाला है, तो इसमें क्या होता है ओपन डाइस में, देखो अपनी सुविधा के लिए ये वाला जैसे यहाँ पर है तो इसको हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे भी मान सकते हैं, एक को हम यहाँ पे भी मान सकते हैं, ठीक है, ये सॉरी चार को जो है यहाँ पे भी मान सकते हैं, ये जो एक है एक को हम यहाँ पे भी मान सकते हैं। देखो यहाँ गलत हो गया, यहाँ पे दो लिखना है, यहाँ पे दो नंबर आएगा, तो ये जो दो है इसको हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे भी मान सकते हैं, दो को यहाँ पे भी मान सकते हैं, यहाँ कहीं पे भी मान सकते हैं, इसको सुविधा के लिए अपना ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऐसे ये छः, इस छः को हम यहाँ पे भी मान सकते हैं, अपना यहाँ पे भी मान सकते हैं या यहाँ पे भी मान सकते हैं, अपनी सुविधा के लिए ऊपर नीचे कहीं पे भी कर सकते हैं, तो ठीक है। तो ऐसे करते हैं, अब हमें इसमें अपोजिट बताना होता है कि कौन सा अंक किस नंबर के अपोजिट है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें क्या रहता है कि एक बॉक्स को छोड़ के दूसरा वाला बॉक्स इसका अपोजिट होता है। जैसे मैं बात करूं इसमें कि एक नंबर के अपोजिट क्या है, तो मैं कहूंगा भाई एक नंबर के अपोजिट ये पांच होगा, एक को छोड़ना है, एक बॉक्स को छोड़ना है दूसरा वाला बॉक्स, मतलब जो ये टच होता है ये वाला टच नहीं होनी चाहिए, ये वाली लाइन, तो एक बॉक्स को छोड़ के दूसरा बॉक्स अपोजिट होता है। मैं कहूँ भाई इसमें तीन के अपोजिट क्या है, तो तीन के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, चार होगा, बाकी जो बचता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। जैसे छः बचा चार बचा, छः चार के अपोजिट है, तो मैं यहाँ पे लिखूँ इसका, देखो एक के अपोजिट बात करूँ तो एक के अपोजिट क्या आ जाएगा, एक के अपोजिट यहाँ पे पाँच आ जाएगा। मैं बात करूँ तीन के अपोजिट क्या होगा, तो तीन के अपोजिट क्या होगा यहाँ पे चार होगा, बचा दो, दो के अपोजिट क्या हो जाएगा, दो के अपोजिट छः हो जाएगा। तो ऐसे करके हम एक बॉक्स को छोड़ के दूसरा बॉक्स जो होता है वो नंबर के अपोजिट होता है। और देखो यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मैंने आपको बताया एक छोड़ के दूसरा बॉक्स एक अपोजिट होता है। जैसे मैं पाँच के अपोजिट की बात करूँ कि पाँच के अपोजिट क्या होगा, तो पाँच के अपोजिट दोस्तों तीन होगा, पाँच के अपोजिट क्या होगा तीन होगा, एक बॉक्स छोड़ देना है दूसरा वाला अपोजिट हो जाता है। मैं चार के अपोजिट की बात करूँ तो चार के अपोजिट दो होगा, बाकी जो रिमेनिंग बचता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पे एक बचा छः बचा, इसके अपोजिट हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे लिख के बता दूँ आपको, पाँच के अपोजिट क्या हो गया तीन हो गया, चार के अपोजिट क्या हो गया चार के अपोजिट दो हो गया, बाकी जो बचा है क्या बचा है एक, एक अपोजिट किसके हो जाएगा छः के अपोजिट हो जाएगा। और आगे इस पे बात करें, फिगर वो कैसा भी दे दे, आपको ऐसे दे दे, ऊपर नीचे दे दे या इस तरीके का दे दे, कोई सा भी फिगर दे दे, उससे हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल हमें एक ही बात माइंड में याद रखनी है, एक बॉक्स को छोड़ के दूसरा वाला बॉक्स होता है वो अपोजिट होता है। मैं इसकी बात करूँ कि पाँच के अपोजिट क्या होगा, इस वाले में पांच के अपोजिट चार होगा, दो के अपोजिट क्या होगा, दो के अपोजिट एक होगा, बाकी जो बचता है छह किसके अपोजिट होगा, इस तीन के अपोजिट होगा। तो मैं बात करूं यहाँ पे पांच के अपोजिट चार हो जाएगा, दो के अपोजिट एक हो जाएगा और तीन के अपोजिट क्या हो जाएगा छह हो जाएगा, ठीक है। हमें इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये तीन यहाँ पे दे रखा हो या ये छह यहाँ पे दे रखा हो, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वाले में और देख लेते हैं, मैं आपको इसलिए अलग अलग तरीके से दिखा रहा हूँ
ये जो डायग्राम मैंने ये चित्र फिगर बना रखे हैं अलग अलग तरीके से इसलिए बना रखे हैं कि कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इस तरीके का दे दिया है तो क्या होगा, इस तरीके का दे दिया है क्या होगा। तो उस चीज़ का हमारे क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कैसे भी दे रखा हो। मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूँ कि तीन के अपोजिट क्या होगा, तो देखो यहाँ पर तीन के अपोजिट क्या होगा, छः होगा। चार के अपोजिट क्या होगा, दो होगा। ये बच्चा जो एक इसके अपोजिट होगा, एक पाँच के अपोजिट होगा। मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा आपको, तीन के अपोजिट क्या हो जाएगा, छः हो जाएगा। चार के अपोजिट क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। और एक के अपोजिट क्या हो जाएगा, पाँच हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और आगे और भी देख लेते हैं। अब ये सीधे खड़े से दे रखे थे, ऐसे लेटा हुआ दे दे तो तब भी हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसकी बात करूँगा, इसमें एक के अपोजिट क्या होगा, तो एक के अपोजिट ये तीन होगा। और इस दो के अपोजिट बात करूं तो क्या होगा, छः होगा। और ये चार के अपोजिट क्या होगा, पाँच होगा। तो देखो एक के अपोजिट क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। दो के अपोजिट क्या हो जाएगा, छः हो जाएगा। चार के अपोजिट क्या हो जाएगा, पाँच हो जाएगा। तो एक बॉक्स छोड़ के दूसरा वाला बॉक्स जो है अपोजिट होता है। अब देखो इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूज लग रहा होगा कि भाई ये कैसे होगा, तो देखो इसमें करते हैं। ये चार है, इस चार के अपोजिट क्या हो जाएगा, एक बॉक्स छोड़ा भाई, चार के अपोजिट क्या हो जाएगा, चार के अपोजिट भाई तीन हो गया। अब मैं बात करूं कि भाई दो के अपोजिट क्या होगा, तो देखो मैं आपको बता चुका हूं, इसको थोड़ा इधर ले लेंगे। ये पांच का अंक जो है हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये वाला पांच का अंक। अब इसको ऊपर नीचे तो नहीं ले जा सकते ना, अब इसको यहाँ पे ले लेंगे तो ये दो के अपोजिट क्या हो जाएगा, इस दो के अपोजिट यहाँ पे ये पांच हो जाएगा। बाकी बचा क्या, छह बचा। छह किसके अपोजिट हो जाएगा, एक के अपोजिट हो जाएगा। आप कहोगे कि सर आपने ये इधर क्यों ले लिया, भाई इसको और ऊपर तो नहीं ले जा सकते ना, इसको इधर ही लेंगे। क्योंकि आपको जब खोलेंगे हम किसी पासे को, जब खोलते हैं तो उसकी एक सरफेस इधर है, एक इधर है, तो ये वाला जो नंबर है वो इधर ही आ जाएगा। मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, अपनी सुविधा के लिए इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं, क्योंकि हर पासे में छः सरफेस होती हैं। तो इसको हम इधर ले लेंगे, बचेगा एक, एक किसके अपोजिट हो जाएगा, छः के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस एक ही बात को बार बार याद रखना है कि एक बॉक्स को छोड़ के दूसरा वाला बॉक्स होता है वो अपोजिट होता है। देखो मैं इसकी बात करूं, ये बहुत आसान है, सभी कर सकते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे अंक दे रखे थे, अब वो कोई भी अल्फाबेट दे दे, कोई सिंबल दे दे, कोई नाम दे दे, उस चीज़ से हमारे क्वेश्चन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं इस वाले की बात करूं, अब इसमें कहो क्या भाई ए के अपोजिट क्या होगा, ए के अपोजिट सी होगा, केवल एक बॉक्स छोड़ना बीच वाला। मैं इसमें बात करूं भाई डी के अपोजिट क्या होगा, डी के अपोजिट भाई एफ होगा, एक छोड़ना है। बाकी बचा क्या, बी, बी किसके अपोजिट हो जाएगा, बी भाई ई के अपोजिट हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए के अपोजिट क्या आ गया, ए के अपोजिट सी आ गया। अब डी के अपोजिट क्या आ गया भाई, डी के अपोजिट एफ आ गया। बी के अपोजिट क्या आ गया भाई, बी के अपोजिट ई आ गया। ऐसे करके हो जाता है, बहुत आसान है। बस एक ही बात आपको याद रखनी है कि सिर्फ एक बॉक्स छोड़ना है, दूसरा वाला बॉक्स होगा वो अपोजिट होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये बातें मेरी आपको समझ में आ गई होंगी, ये बात मेरी बिल्कुल आपके समझ में आ गई होगी। और कुछ नहीं करना है, पासे का पूरा अगर हमें अपोजिट नंबर पता चल जाए और पासे को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो एक बेसिक है, मैंने आपको बताया है कि कोई भी ओपन डाइस है तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है, करने के बाद अपोजिट नंबर हम ऐसे ज्ञात करते हैं। ये तो थोड़ा बेसिक है, इसकी जानकारी होना हमें ज़रूरी है। अब दूसरा वाला, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने। देखो दोस्तों अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि ओपन डाइस उसे खोलने पर वो हमें किस प्रकार का दिखाई देगा। अब हम इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ये सीजीएल एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया कि नीचे दी गई डिजाइन को मुड़ने पर कैसी आकृति बनेगी। ये हमें कोई ऐसी डिजाइन दी है और इसको इस पासे को ये ओपन डाइस दिया हुआ है, इसको बंद करने पर हमें कैसी प्रकार की आकृति बनेगी, कौन सा पासा बनेगा वो हमें बताना है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, कोई भी डाइस दियो, सबसे पहले हम जो है अपोजिट नंबर ज्ञात करते हैं। अपोजिट नंबर कैसे ज्ञात करते हैं कि बीच का एक बॉक्स छोड़ के दूसरा वाला बॉक्स क्या होता है दोस्तों, अपोजिट होता है। तो मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, इसमें देखो एफ के अपोजिट क्या हो गया, एफ के अपोजिट क्या हो गया, बी हो गया। तो यहाँ से हमने क्या निकाला कि एफ के अपोजिट भाई बी हो गया, एक बॉक्स छोड़ना है, हमने एक बॉक्स छोड़ दिया। अब मैं ई के अपोजिट की बात करूँ, ई के अपोजिट क्या हो गया भाई, ई के अपोजिट भाई सी हो गया, ई के अपोजिट क्या हो गया सी हो गया, केवल एक बॉक्स छोड़ना। बाकी जो बचे क्या बचे, ए बचा, ए किसके अपोजिट हो जाएगा, डी के अपोजिट हो गया। तो हमने यहाँ से क्या ज्ञात किया कि भाई हमने यहाँ से अपोजिट नंबर ज्ञात कर लिए कि अपोजिट क्या होगा, कि एफ बी के होगा, बी एफ के होगा, ई सी के होगा, सी ई के होगा, ए डी के होगा और डी ए के होगा। और दोस्तों मैं आपको हर क्लास में ये बात अपनी बता चुका हूँ कि कोई भी अपोजिट दो नंबर एक साथ न तो आ सकते हैं किसी भी डैश में और ना एक साथ छुपे हुए रह सकते हैं।
मतलब हमें जो तीन नंबर हमें दिखाई देते हैं वन में, दोनों अपोजिट ना तो एक साथ आ सकते हैं और ना एक साथ छुपे हुए रह सकते हैं। तो एक का आना भी अनिवार्य है और एक का छुपा रहना भी अनिवार्य है। तो देखो हम करते हैं इसको, हम पहले वाले ऑप्शन को चेक करें एफ बी, और देखो यहाँ पे एफ बी ये दोनों एक साथ दे रखे हैं और मैं आपको बता चुका हूँ भाई ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए पहला ऑप्शन देखते ही गलत हो जाएगा। ये ओपन डाइस वाले क्वेश्चन है, हम ऑप्शन से ही करते हैं, ठीक है, ऑप्शन से ही करते हैं। तो देखो एफ और बी दोनों एक साथ हैं, यहाँ पे एफ और बी दोनों एक साथ दे रखे हैं, इसलिए ऑप्शन पहला देखते ही गलत कर देना है। दूसरे ऑप्शन की बात करूँ, एफ दे रखा है पहले में से भाई, एफ दे रखा है दूसरे में से, ई दे रखा है और तीसरे में से डी दे रखा है। देखो एक एक नंबर दे रखा है, इसमें से बात करूं मैं डी दे रखा है, ये वाला जो है ई और सी में से आपको ई दे रखा है, एफ और बी में से ई दे रखा है, एफ और बी में से एफ दे रखा है, मतलब दो में से एक दे रखा है, दो में से एक दे रखा है। तो मतलब ऑप्शन हमारा बी एकदम राइट है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं केवल एक ही नंबर आ सकता है और एक नंबर हमारा छुपा रहेगा, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। हम अपनी नॉलेज के लिए ये वाले भी ऑप्शन देख लेते हैं, एक बार हम ये भी देख लेते हैं। देखो यहाँ बी और सी दे रखे हैं, बी बी और सी दे रखे हैं, बी दे रखा है और देखो सी और ई दे रखे हैं, सी ई दोनों एक साथ दे रखे हैं, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी की बात करूं मैं, तो देखो ए यहाँ पे क्या दे रखा है, ए दे रखा है और डी दे रखा है, ए और डी दे रखा है, ये दोनों नंबर एक साथ नहीं आ सकते, ये वाले ए और डी, तो ऑप्शन डी भी गलत है हमारा, केवल एक ऑप्शन सही है बी वाला। तो उम्मीद करता हूँ ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ में आई है तो दूसरे क्वेश्चन में और एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन आपको यूपीएससी 2011 में पूछा जा चुका है, दोस्तों मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ ज़्यादा जो एग्जाम में पूछे गए, क्योंकि आपको पता लगे कि एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, केवल हमें एक बार थोड़ा कंसेप्ट को अच्छे से समझ लें तो कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा, ठीक है। तो मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में आपको पूछे जा चुके हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें दे रखा है प्रसारित चित्र में कौन सा विकल्प सही है, ये प्रसारित चित्र दे रखा है ओपन डाइस का, इसमें हमें बताना है कौन सा वाला ऑप्शन सही है। इसको अगर हम फोल्ड करें, इसको हम बंद करें, बंद करने के बाद हमें कौन सा ऑप्शन दिखेगा, कौन सा पासा बनेगा, वो हमें बताना है। तो देखो कैसे बताते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, एक एक जो बॉक्स छोड़ के दूसरा वाला अपोजिट होता है, तो बी के अपोजिट क्या निकाल लिया हमने, यहाँ से बी के अपोजिट भाई डी हो गया। दूसरे की बात करूं, एक बॉक्स छोड़ के सी के अपोजिट क्या आ गया, सी के अपोजिट भाई ई आ गया, बाकी जो बचता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। देखो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ई दो बार लिख गया, ये ई दो बार लिख गया, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन को, यहाँ पे एफ आएगा, ये जो है यहाँ पे एफ आएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मैं सही कर देता हूँ, ये वाला यहाँ पे क्या आएगा, एफ आएगा, ये वाला जो है। तो देखो मैं इसकी बात करूँ तो सी के अपोजिट क्या आ जाएगा, सी के अपोजिट भाई आपका एफ आ जाएगा, सी के अपोजिट क्या आ गया, एफ आ गया। जो बचते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसे ई किसके अपोजिट हो गया, ए के, यहाँ पे ई किसके अपोजिट हो गया, ई अपोजिट हो गया ए के। अब हमें अपोजिट आ गए तो बस समझो क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे हो गया, तो देखो ऑप्शन से करते हैं, पहला ऑप्शन चेक करें, पहला ऑप्शन चेक करें तो देखो बी और डी, बी और डी ये दोनों एक साथ दे रखे हैं और मैं आपको बता चुका हूँ ये दोनों नंबर एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए पहला ऑप्शन देख से ही गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें से एक का आना जरूरी है और एक का छुपा रहना भी जरूरी है। दूसरे ऑप्शन की तरफ चलें, दूसरे ऑप्शन को देखूं तो देखो मैं ई और ए एक साथ दे रखे हैं, ई और ए एक दूसरे के अपोजिट हैं और दोनों अपोजिट एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए ऑप्शन जो है बी भी हमारा गलत हो गया, देखते ही गलत कर देना, दो हमें देखें एक साथ, देखते ही गलत कर देना। तीसरे को मैं चेक करूं, तीसरे को देखो बी और डी में से डी दे रखा है और सी और एफ में से एफ दे रखा है, ई और ए में से ई दे रखा है, तो हमारा एक एक दे रखा है, इसलिए ऑप्शन सी एकदम राइट है, ऑप्शन सी एकदम सही है, क्योंकि दोनों अपोजिटों में से एक एक नंबर दे रखा है और एक एक देना ही अनिवार्य है, बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करते हैं, देखो इसको भी चेक कर लेते हैं जानकारी के लिए, देखो सी और डी, सी और डी इसमें से सी दे रखा है, एफ डी, एफ और डी, एफ डी में से एफ और डी एक साथ हैं, बी और डी दे रखा है, ई और ए दे रखा है, ई और ए दे रखा है, डी देखो इसने सी और डी दे रखा है, एफ और सी ये वाले जो हैं, एफ और सी इसने यहाँ पे ए एफ और सी एक साथ दे रखे हैं, इसलिए गलत है, इसमें से एक ही आना चाहिए, तो ऑप्शन सी हमारा, ऑप्शन सी एकदम सही है, क्योंकि दोनों अपोजिटों में से एक ही दे रखा है, बस इसी में इसी बात का हमें ध्यान रखना है कि दोनों सरफेस एक साथ नहीं आ सकती,
जब अपोजिट हैं तो एक साथ बिल्कुल नहीं आ सकते, इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये बात थोड़ी आपके समझ में आ गई होगी, और नेक्स्ट वाले क्वेश्चनों पे चलते हैं और बिल्कुल चीज़ें आपके क्लियर होती रहेंगी। SSC 2013 में पूछा गया है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो करना वही है, करना कुछ नहीं है भाई, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बस हमें अपने अपोजिट नंबर याद करने होते हैं। और मैं आपको बता चुका हूँ एक बॉक्स छोड़ के दूसरा अपोजिट होता है, तो मैं यहाँ पे देखूँ एक के अपोजिट क्या है, तो एक के अपोजिट मैंने यहाँ से निकाल दिया 3, एक बॉक्स छोड़ दिया। चार के अपोजिट देखूँ तो 6, चार के अपोजिट क्या है भाई 6 आ गया, बचा क्या 2, 2 किसके अपोजिट होगा, 2 अपोजिट होगा 5 के। यहाँ तक उम्मीद है पूरी बात मेरी समझ में आ गई होगी आपको, अपोजिट याद करने होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दो अपोजिट एक साथ किसी भी अगर ऑप्शन में देखते हैं तो उसे हमें देखते ही गलत कर देना। तो देखो भाई पहले में देखते हैं एक और एक के साथ 3, एक के साथ ये 3 है, ये एक साथ नहीं आ सकते और यहाँ इसने एक साथ दे रखे हैं, इसलिए पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। दूसरे को चेक करते हैं भाई, दूसरे में देखें हमें, देखो दूसरे में क्या है, एक और 3 में से उसने 1 दे दिया, 4 और 6 में से उसने 4 दे दिया, और जो है 2 और 5 में से उसने 2 दे दिया, मतलब ऑप्शन बी एकदम राइट है, दोनों सम में से एक एक दे रखा है, इसलिए ऑप्शन बी क्या है बिल्कुल राइट है। अगर चाहो तो आगे भी चेक कर सकते हो, ना चेक करो तो देखो हम अब चेक करके देख लेते हैं आपको समझाने के लिए, बाकी आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, देखना है और जैसे ही हमें ऑप्शन देखे बस राइट कर देना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाना है। देखो इसमें देखें 4 और 6 दोनों एक साथ दे रखे हैं, 4 और 2 6 दोनों एक साथ नहीं आ सकते, सी गलत हो गया। देखो इसमें देखें 4 और 6 दोनों इसमें भी एक साथ दे रखे हैं, 4 और 6 दोनों एक साथ इसमें नहीं आ सकते, तो हमारा ऑप्शन बी एकदम राइट है, ये बात बिल्कुल आपके समझ में आ गई होगी। मैं आपको तीन क्वेश्चन इसी एक ही तरीके के करा चुका हूँ, तो ये बात बिल्कुल आपके समझ में आ गई होगी। ये सिर्फ जो है ओपन डैश केवल हमारे ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ऑप्शन को देखो और गलत कर दो, दोनों एक साथ दिख जाए तो बस देखते गलत कर देना भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ये इसमें क्या है। देखो ये थोड़ा भाई समझने वाला है, थोड़ा सा समझने वाला है, इसमें भी कुछ नहीं है, देखो क्या समझने वाला है। तो देखो ये वाली खाली जो है ये इसके अपोजिट हो जाएगा, ये ब्लैंक जो दिखाई दे रहा है खाली सरफेस जो है इस सरफेस के अपोजिट हो जाएगी। तो देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ऐसे करके, ये वाली खाली जो है इस खाली के अपोजिट हो जाएगी, और ये वाली जो खाली इस खाली के अपोजिट हो जाएगी, ठीक है, और ये वाला ए वाला जो है इस बी के बचे ये दोनों, तो ये वाला जो ए बचा जो है, ये वाला ए बचा जो है इस बी के अपोजिट हो जाएगा ये वाला। अब हमें यही देखना है कि इन दोनों में से केवल हमें एक दिखाई देना चाहिए, अगर दोनों दिखाई देने तो हम देखते ही गलत कर देंगे। देखो पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, पहले ऑप्शन को मैं देखूं यहाँ पे ए और बी दोनों में से एक दिखाई देना चाहिए, और यहाँ पे ए और बी दोनों दिखाई दे रहे हैं भाई, ये ऑप्शन एक जो है बिल्कुल गलत है, ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है, ये दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं और ये हमें दोनों एक साथ नहीं दिखाई देने चाहिए। ऑप्शन बी की तरफ चलूँ तो देखो ए और बी हमें यही देख लेना है सबसे पहले, इसको तो हमें चेक ही नहीं करना है, इसको तो हमें चेक ही नहीं करना है, बस सबसे पहले ये देखना है ए और बी ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, और तब के हमें ऑप्शन में दोनों एक साथ दे रखे हैं, बी भी हमें देखते ही गलत कर देना है भाई, सोचना भी नहीं है, देखते ही गलत कर देना है। सी की तरफ चलूँ तो देखो मान लो इन दोनों में से कोई भी ये ब्लैंक दे दिया, इन दोनों में से भी मान लो कोई ब्लैंक दे दिया, इन दोनों में से एक आना चाहिए, तो इन दोनों में से उसने ए दे रखा है भाई, यहाँ पे ए दे रखा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन एकदम सही है, एकदम ये सही है। बस यही वाली बात याद रखनी है कि इन दोनों में से एक का आना जरूरी है, एक के छुपे रहना भी जरूरी है, तो इसमें से एक हमें आ रहा है और एक बी जो छुपा हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी एकदम राइट है, ऑप्शन सी एकदम सही है। अब डी को चेक कर लें, अब डी को भी आपको देखते ही गलत कर देना है, वो कैसे कर देना देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ उसी बात को, ए और बी इसमें से एक का आना जरूरी है और इसमें एक बिल्कुल भी नहीं दे रखा, इन दोनों में से कोई भी नहीं दे रखा, और यहाँ पे जो है इन दोनों में से एक का आना जरूरी है और यहाँ कोई नहीं दे रखा, तो ये भी हमारा गलत हो गया, केवल एक ही ऑप्शन सही है सी। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए पर ही दे रखा, एक नंबर पर ही दे रखा है उसने, ओनली ए, ओनली 3 मतलब 3 मतलब सी, ओनली 3 दे रखा है, यहाँ पे ये नंबर करना है, ये 3 कर देना है ऐसे करके, तो ऑप्शन सी वाला एकदम राइट है, ओनली 3 वाला जो है, जैसे यहाँ पे ऐसे करके ऑप्शन है 1 ऐसे करके 2 3 ऐसे करके 4 जो है, ठीक है, तो ओनली 3 वाला ये सही है, एक ही ऑप्शन सही है सी, तो हम इस पर राइट कर देंगे एक नंबर पर, ये एकदम सही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात भी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। देखो अभी तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन देखें, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं दे रखा, अब थोड़े आगे क्वेश्चनों पे चलते हैं, वो अच्छे लेवल के हैं, उसमें थोड़ा समझने में भी मज़ा आएगा, ठीक है, तो उनको अच्छे से समझेंगे, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका, किसी एग्जाम में पूछा गया है, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं।
अब देखो यहाँ पे क्या उसने सिंबल दे रखे हैं, पहले अल्फाबेट दे रखा है, वो नंबर दे रखे थे अल्फाबेट, इसमें क्या उसने सिंबल दे रखे हैं, तो इस चीज़ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सिंबल दे या अल्फाबेट दे। देखो इसमें हम अपोजिट याद करते हैं, देखो ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाली ब्लैंक सरफेस हो जाएगी। तो यहाँ लिख लेते हैं हम एस एट द रेट जो है, एट द रेट के अपोजिट ये वाली ब्लैंक सरफेस हो जाएगी, इस ब्लैंक के ये वाली ब्लैंक हो जाएगी। ये हमें दिख नहीं रहा लेकिन इस ब्लैंक के लिए ये ब्लैंक मान लेंगे। बाकी क्या बचा, बाकी ये बचा डॉलर किसके अपोजिट हो जाएगा, डॉलर यहाँ पे हैज के अपोजिट हो जाएगा, किसके अपोजिट हो जाएगा, हैज के अपोजिट हो जाएगा। अब देखो हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ऑप्शन पे देखते हैं। पहले ऑप्शन की बात करूँ मैं, पहले ऑप्शन को देखो आपको अलग से ही दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे डॉलर जो है हैज, डॉलर और हैज एक साथ दे रखे हैं तब कि ये एक साथ नहीं आ सकते, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और इसने यहाँ पहले वाले ऑप्शन में एक साथ दे रखे हैं तो ये दोनों नहीं आ सकते। हम देखते ही भाई पहले को हम गलत कर देंगे, ए को हम देखते ही गलत कर देंगे क्योंकि ये दोनों एक साथ दे रखे हैं इसने और यहाँ पे भी दोनों एक साथ दे रखे हैं तब कि एक साथ नहीं आ सकते। दूसरे ऑप्शन की भी मैं बात करूँ, देखो दोनों में भी डॉलर और हैज जो हैं एक साथ दे रखे हैं भाई, ये भी नहीं आ सकते तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ ओपन डैश में सिर्फ ऑप्शन पे चलता है, ऑप्शन देखो और गलत कर दो अगर दोनों एक साथ दे रखे हों। अब मैं इसकी बात करूँ, मैं इस वाले की सी की बात करूँ इसमें, तो देखो सी को हम चेक करें, इसमें से देखो ये वाली एट द रेट और इसमें से, एट द रेट और इसमें से जो है दोनों में से इसने जो है यहाँ पे एट द रेट दे रखा है, ब्लैंक भी दे रखा है, तो ये संभावना है भाई, ये संभावना है इसने ये दोनों दे रखे हैं, और इसकी बात करूँ तो ये भी दो दे रखे हैं। तो देखो अब इसमें से मान लो हमने ये दोनों एक साथ आ गए ये वाले, देखो और भी समझो ऐसे भी हम कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन ऐसे भी गलत हो गया। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि ये दोनों जो हैं डॉलर और हैज, ये इन दोनों में से एक का आना जरूरी है और यहाँ पे डॉलर और हैज में से कोई भी नहीं दे रखा है, ना तो डॉलर दे रखा है और ना हैज दे रखा है, इससे हम इसको गलत कर देंगे। क्यों, क्योंकि भाई छह सरफेस होती हैं और ये दो दो नंबर हैं, अब छह में से हमें तीन सरफेस दिखाई देती हैं, अब छह में से तीन दिखाई देती हैं तो एक दूसरे के जो अपोजिट हैं उन तीन में से एक का दिखना बहुत जरूरी है और एक का छुपा रहना भी जरूरी है, तो इस वाले ऑप्शन में इन दोनों में से हमें कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, ना तो डॉलर दिखाई दे रहा और ना हैज दिखाई दे रहा, इसलिए हमारा ऑप्शन सी गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी गलत है। अब डी तो सही होना ही होना है, अब देखो कैसे सही है, देखो डॉलर और हैज में से ये वाला डॉलर दे रखा है, इन दोनों में से कोई भी दे रखा होगा, इन दोनों में से ये वाला दे रखा है, तो इसकी संभावना है इन चारों ऑप्शनों में जो सबसे ज़्यादा सटीक है, जो सबसे ज़्यादा सही होने की संभावना है वो भाई डी ऑप्शन की संभावना है, इसलिए डी एकदम राइट है, डी एकदम सही ऑप्शन है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात बिल्कुल समझ में आपको आ गई होगी, मैं चार पांच क्वेश्चन इसी तरीके के करा चुका हूँ। अब चलते हैं भाई छठे क्वेश्चन पे, छठे क्वेश्चन पे चलते हैं, ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ ये करने की कोशिश करें, ये आपको लग सिंपल रहा होगा लेकिन इसमें बड़ा लॉजिक है, स्पेशल क्वेश्चन है, आप करने की कोशिश करें 10 सेकंड है, फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर अपना अपना आंसर मैच करना, जिन लोगों पहले पढ़ चुके हैं कहीं से तो एक बार कोशिश करें करने की, फिर मैं आपको बताऊंगा, 10 सेकंड है भाई आपके लिए, 10 सेकंड है, एक बार करो, एक बार करके देखो भाई, करके देखो भाई, फिर मैं आपको मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन कैसे करना है आपको। देखो कर लिया होगा भाई जिन लोगों को करना है, मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई दोस्तों, अपोजिट याद करते हैं, एक को छोड़ के एक दूसरा नंबर जो होता है अपोजिट होता है, तो मैं यहां से निकाल लेता हूं भाई बी के अपोजिट क्या हो गया, यहां से बी के अपोजिट भाई डी आ गया। सी के बात करूं तो सी के अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, सी के अपोजिट जो है E हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा, F बचा भाई, F तो अपोजिट होगा A के, A और F बचे, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यहाँ से अपोजिट निकाल लिया, बहुत आसान है। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में हम क्या देखते हैं कि हम पिछले वाले जो क्वेश्चन करके आए हैं, अब तक हमने पांच क्वेश्चन किए हैं, तो उसमें हम क्या देखते थे, उसमें देखते थे भाई दो अपोजिट नंबर एक साथ नहीं आ सकते और ना छुपे हुए रह सकते हैं, वही चीज़ देखते थे, तो पहले हम वही चीज़ देखते हैं। मैं इसकी बात करूँ बी और डी, बी और डी में से उसने डी दे रखा है एक, बी सी और ई में से उसने सी दे रखा है, ए और एफ में से उसने एफ दे रखा है, मतलब दोनों में से एक एक दे रखा है, तो ऑप्शन ए वाला सही है। अब मैं बी की बात करूं तो देखो इसमें भी आपका एक ए दे रखा है, सी और ई में से ई दे रखा है, बी और डी में से डी दे रखा है, और ए और एफ में से एफ दे रखा है, मतलब ऑप्शन बी भी सही है भाई। अब तो अब सी की बात करें, सी की बात करें, बी और इसमें से ये डी दे दिया, ए और एफ में से उसने ए दे दिया, सी और इसमें से ई दे दिया, भाई ऑप्शन सी भी सही है हमारा। अब आगे वाला ऑप्शन देखें डी, तो देखो इसमें से भी उसने बी दे दिया,
और जो है ए और एफ में से एफ दे दिया और सी और ई में से उसने सी दे दिया, मतलब ऑप्शन डी भी सही है, चार ऑप्शन सही है। आगे कोई हमें दे नहीं रखा है कि आगे वाला के भाई ऑल सही है कि चारों सही है, ऐसे करके आगे कुछ नहीं दे रखा है और चारों ऑप्शन सही आ रहे हैं। हमने जो तरीका बताया था तो आप कह रहे होंगे मास्टर साहब ने गलत बता दिया। देखो ऐसा नहीं है, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है आपके सामने, मैं बता चुका हूँ कि ओपन डाइस को हम ओनली ऑप्शन के बेस पर करते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि भाई हमारे चार ऑप्शन सही हैं और इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दे रखा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, पहले वाले क्वेश्चन से रोटेशन देखते हैं। रोटेशन कैसे, ऑप्शन का हम रोटेशन चेक करते हैं। जैसे मैं पहले वाले ऑप्शन का रोटेशन चेक करूँ, जैसे क्लॉकवाइज चेक करूँ कि सी है, सी के बाद भाई डी आ रहा है, डी के बाद भाई एफ आ रहा है, एफ के बाद फिर सी आ रहा है। तो देखो सी है, सी के बाद भाई डी आ रहा है और डी के बाद भाई एफ आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे मान सकता हूँ, इस वाले एफ को मैं कहीं पे भी मान सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे मानूँ मैं, जैसे यहाँ सी है, सी सी के बाद डी और डी के बाद एफ आ रहा है, तो एफ यहाँ पे आना चाहिए, न कि यहाँ पे आना चाहिए। अगर मैं रोटेशन यहाँ पे चेक करूँ, इसका जो है ऐसे रोटेशन चेक करूँ, तो सी सी के बाद डी, डी के बाद एफ, सी सी के बाद डी, तो ऐसे करके आना चाहिए ना, डी के बाद एफ ना, तो आना चाहिए। तो मतलब इसका रोटेशन सही नहीं आ रहा, रोटेशन सही नहीं आ रहा, तो ऑप्शन पहला हमारा गलत हो गया, पहला हमारा गलत हो गया भाई, ऑप्शन सही नहीं आ रहा, तो रोटेशन चेक करते हैं। अब दूसरे रोटेशन को देखें, हम यहाँ डी से देखें, डी ई एफ, चाहे तो आप क्लॉकवाइज देखो एंटी क्लॉकवाइज देखो, मैं इसको देखूँ तो डी आ रहा है, डी के बाद ई आ रहा है, ई के बाद एफ आ रहा है, तो डी आ रहा है, डी के बाद ई आ रहा है, ई के बाद एफ आ रहा है, एफ यहाँ पे आना चाहिए भाई। अगर मैं रोटेशन ऐसे देखता हूँ, डी डी के बाद ई, ई के बाद एफ, ऐसे ही तो चलेगा, क्लॉकवाइज चलेगा या कोई चीज़ एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, दो ही तरह। तो देखो यहाँ पे सही नहीं आ रहा, डी डी के बाद ई, ई के बाद एफ, ऐसे आ रहा है, और यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, डी डी उसके बाद एफ एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये वाला भी हमारा गलत हो गया भाई। अब मैं सी को चेक करूँ, मैं यहाँ सी को चेक करूँ, तो देखो सी करेंगे, सी को चेक करूँ, मैं यहाँ से देख लेता हूँ, ए डी ई ऐसे करके बनना चाहिए, ए डी ई। तो देखो मैं यहाँ पे देखूँ, जैसे हम इस ए को यहाँ पे भी मान सकते हैं, मैं आपको पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, मैंने ए यहाँ पे मान लिया, ए ए के बाद वो चला कहाँ पे, दूसरा पेन ले लेते हैं, आपको अच्छे से दिख जाए, ए ए के बाद कहाँ पे चला, वो डी पे चला, डी से कहाँ पे आ गया, यहाँ पे एफ पे आ रहा है, डी ए डी और एफ, ए डी एफ ऐसे करके, ए से कौन सा ये है, ए डी ई है, ए डी ई ऐसे करके आ रहा भाई, ऐसे करके क्लॉकवाइज बनना है, ए से वो डी पे चला और डी से ई पे चला। इसकी बात करें तो देखो ए से डी पे चला और डी से भाई ई पे चला, तो ऐसे करके रोटेशन बन रहा है भाई, क्लॉकवाइज रोटेशन बन रहा है। यहाँ पे भी देखूँ ए डी ई ऐसे करके यहाँ पे भी क्लॉकवाइज बन रहा है, मतलब जैसा यहाँ पे बन रहा है वैसा ही ऑप्शन में बनना चाहिए। यहाँ पे क्लॉकवाइज बन रहा है तो यहाँ पे भी क्लॉकवाइज आना चाहिए, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बना तो यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा एकदम राइट है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे ऑप्शन हमें दिखते हैं, ऐसे ऑप्शन दिखते हैं, तो उसको हम रोटेशन से करते हैं। चार ऑप्शन हमें लग रहे थे सही हैं, पर देखो हमारा सी सही है, क्योंकि यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन बन रहा है, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज बन रहा है। अब हमारा ऑप्शन सही वाला और जानकारी के लिए इसको भी चेक कर लेते हैं भाई, ये कैसे दे रखा है, एफ दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, ऐसे करके दे रखा है, एफ बी सी, एफ दे रखा है, एफ के बाद देखो बी दे रखा है, एफ यहाँ पे मान लिया, एफ दे रखा है, एफ के बाद बी दे रखा है, बी के बाद सी दे रखा है, देखो ऐसे करके बन रहा है, एफ एफ बी सी, ये बनेगा ही नहीं भाई, देखो ऐसे करके बन तो नहीं रहा, एफ दे रखा है, एफ के बाद फिर बी दे रखा है, फिर सी दे रखा है, ऐसे बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एफ बी सी, एफ बी सी, एफ बी सी ऐसे करके बन रहा है, तो ये वाला हमारा नहीं बनेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला एकदम राइट है, क्योंकि यहाँ पे भी क्लॉकवाइज रोटेशन बन रहा है और हमारे सी वाले ऑप्शन पे भी क्लॉकवाइज रोटेशन बन रहा है। तो भाई दोस्तों ये विशेष स्पेशल क्वेश्चन है, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ऐसी कंडीशन बन जाए कि हमारे चारों ऑप्शन सही आ रहे हों, तो उस कंडीशन में हम रोटेशन चेक करते हैं कि जैसा रोटेशन यहाँ दे रखा है ओपन डाइस में, वैसा ही रोटेशन क्लॉक डाइस में होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, थोड़ा अच्छा लगा होगा आपको ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उसमें और आपको समझने वाली बात है और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आगे वाले में। तो चेक करते हैं भाई सातवां क्वेश्चन, ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, इस पर भी ध्यान देना आपको कैसे हुआ, इसको देखते हैं। तो देखो वही काम है, सबसे पहले हम अपोजिट ज्ञात करते हैं। जैसे मैं यहाँ से अपोजिट ज्ञात करूँ, तो ए के अपोजिट क्या है दोस्तों, यहाँ पे ए के अपोजिट, सॉरी डी के अपोजिट क्या है, ई। यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ अलग से, ई के अपोजिट भाई क्या हो गया, यहाँ पे डी हो गया। मैं इसकी बात करूँ, ई के अपोजिट डी हो गई, और ए की बात करूँ, ए के अपोजिट क्या आ गया भाई, सी आ गया, ए के अपोजिट भाई सी आ गया। अब मैं बात करूँ इस बी के अपोजिट, इस बी के अपोजिट बात करूँ तो क्या आएगा, देखो ये वाले जो ऐसे करके आपको दे रखे होते हैं ना, तो ये ऐसे जो है
बंद हो जाने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ये जो है फोल्ड हो जाएंगे आपके, ये ऐसे करके कोई भी पास देखो मैं इसको बताऊं, ये खुला हुआ है, जैसे हम डिब्बे वगैरह को बंद करते हैं तो आप लोगों के मन में क्या होता है कि जैसे हमने इसको बंद किया तो हम ऐसे करके बंद करेंगे, ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया और बंद हो गया, ऐसे नहीं होता है। ये जो है पीछे की ओर बंद होता है हमेशा, जैसे मैं इसको बंद करूँ तो ऐसे करके फोल्ड करूँगा, इसको फोल्ड करूँगा फिर उठा के ऐसे करूँगा। तो क्या करते हैं, जैसे आपने करके देखा होगा इसका क्या आंसर आ रहा है, तो क्या करते हैं जिसको हम जब फोल्ड करते हैं ना, जब इसको ऐसे करके पीछे फोल्ड करते हैं फिर इसको ऐसे घुमाते हैं, तो ये जो नंबर होते हैं ना हमारे, जैसे यहाँ पे दे रखा है एक दे रखा है, एक के बाद दो दे रखा है, दो के बाद तीन दे रखा है, तीन के बाद चार दे रखा है, ऐसे जो क्लॉकवाइज नंबर होते हैं, तो ये क्लॉकवाइज जो हैं यहाँ पे क्लॉकवाइज हैं तो क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे, अगर यहाँ एंटी क्लॉकवाइज नंबर हैं तो क्वेश्चन में जाके ऑप्शन में जाके ये क्लॉकवाइज हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे यही गलती कर रहे होंगे इसको देखने पे, ये कह भाई ये हैं ऐसे करके बंद किया और आपने ये ऐसे एक दो तीन चार ऐसे करके किया, ये बंद हो गया तो ऐसे तरीके का बन जाएगा। भाई बंद तो ये ऐसे ही होगा, ये इधर और ये इधर, बंद होने के बाद हम इसको ऐसे बंद करेंगे तो इसको ऐसे बंद ना करके पीछे की ओर बंद करते हैं फिर ऐसे घुमाते हैं। तो याद रखना है यहाँ पे ऐसे क्लॉकवाइज दे रखा है तो ऑप्शन में जाके एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आके किस तरीके का हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पे एक दो तीन चार ऐसे दे रखा है, एक दो तीन चार ऐसे ना होके ये वाला जो है ऐसे करके हो जाएगा, ये आपका एक दो तीन चार ऐसे हो जाएगा, ऐसे उल्टा हो जाएगा, एक दो तीन चार ऐसे दे रखा है, सॉरी ऐसे करके दे रखा है तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा, ये आपका एक तो यहीं पर रहेगा तो यहाँ पर दो आ जाएगा, यहाँ तीन आ जाएगा, यहाँ चार आ जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा, तो बी के अपोजिट ये वाली सरफेस हो जाएगी ऐसे करके, जब इसको हम बंद करेंगे तो इस प्रकार की बनेगी। अब ये वाला हम ऑप्शन मैच कर लेते हैं फिर तो आप कर ही लोगे। देखो मैं ई और डी की बात करूँ, ई और डी में से कोई आपको दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर ई और डी में से देखो मुझे यहाँ पर डी दिखाई दे रहा है, ठीक है, और इन दोनों में से बात करूं तो बी और ये दोनों एक साथ दे रखे हैं तो इसलिए ये क्या हो गए, ये गलत हो गए, ये दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए, ये वाला और ये वाला, इसने इस पहले वाले ऑप्शन में एक साथ दे रखा है तो इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं, दूसरे ऑप्शन में देखूं तो ई डी के साथ दे रखा है, तो यहाँ पे ई डी के साथ दे रखा है तब कि ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते भाई, ये अपोजिट नंबर है तो एक छुपा रहना चाहिए, ये दोनों एक साथ दे रखे हैं इसलिए ये गलत हो गया। मैं तीसरे ऑप्शन पे चलता हूँ, तीसरे ऑप्शन की बात करूँ ए और सी, ए सी के अपोजिट है जबकि इसने दोनों ये एक साथ दे रखे हैं ए और सी, इसलिए सी वाला ऑप्शन भी भाई बिल्कुल गलत हो गया। मैं डी की बात करूँ तो देखो ई और डी में से डी दे रखा है, ए और सी में से सी दे रखा है और बी और इसमें से जो है हमारा बी दे रखा है, इसलिए ऑप्शन डी सही है क्योंकि एक का आना अनिवार्य है और एक का छुपा रहना भी अनिवार्य है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही है। मैंने छः ऑप्शन इसमें इसलिए दिए हैं कि आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं, ये ऑप्शन आपके चार ही आते हैं एग्जाम में, बट मैंने छः इसलिए दिए हैं कि आपको बिल्कुल अच्छे से फिगर क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे कैसे कंडीशन बन सकती हैं, कैसे कैसे वो हमें ऑप्शन दे सकता है। अब मैं ऑप्शन ई की बात करूँ, ई की बात करूँ तो देखो ए और सी में से उसने सी दे रखा है, ई और डी में से उसने हमें ये डी दे रखा है, अब इसकी बात करें इन दोनों में से ये दे रखा है, तो अब हमें ये देखना है कि क्लॉकवाइज दे रखा है या एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो एक दो तीन चार जैसे यहाँ पे दे रखा है उसने एक दो तीन चार, तो उसने फिगर में दे रखा है क्लॉकवाइज तो यहाँ पे भी उसने क्लॉकवाइज दे रखा है, बट क्लॉकवाइज ना आके यहाँ पे क्या आएगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्लॉकवाइज है तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ क्लॉकवाइज, मतलब इसके अपोजिट यहाँ पे आना है, जब हम इसको बंद करते हैं तो वो उल्टा हो जाता है। एफ की बात करूं मैं तो देखो ए और सी में से उसने ए दे दिया, ई और डी में से उसने ई दे दिया और देखो इसमें से जो है बी और इसमें से उसने ये वाला दे दिया, तो देखो ये कैसे दे रखा है, उसने यहाँ पे तो क्लॉकवाइज है और यहाँ उसने एक दो तीन चार एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है, इसलिए ऑप्शन हमारा एफ भी सही है, हमारा एफ भी सही है। तो इन छह ऑप्शनों में से डी सही है और हमारा एफ सही है, दोनों ऑप्शन सही है। एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूं आपके लिए क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन होगा, एग्जाम ऐसा कन्फ्यूजन बना देता है कि ये जो पासा होता है खुला वाला, जब इसको हम ऐसे फोल्ड नहीं करते, इसको हम पीछे फोल्ड करते हैं फिर ऐसे घुमाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो जैसा क्लॉकवाइज होता है वो एंटी क्लॉक बन जाता है, अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्वेश्चन आंसर में जाके वो
क्लॉकवाइज बन जाएगा। तो इस चीज़ का भाई विशेष ध्यान रखना है इस प्रकार के में, नहीं तो गलती कर देंगे। बहुत सारे लोग पढ़ चुके होंगे, उनको ना पता हो तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात मेरी बिल्कुल आपके समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी थोड़ा समझने वाला है, इसमें भी आपको कुछ सीखने को नया मिलेगा। तो ऑप्शन 8 को करते हैं, विच फिगर इज करेक्ट। इस वाले फिगर में से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, करेक्ट ऑप्शन बताना भाई, बिल्कुल अलग अलग आपको चमक रहा होगा। मैंने लाल हरा नीला रंगीन करके एकदम जमा दिया है मामला, तो आपको बिल्कुल दिख रहा होगा सही से। तो आपको बताना है इस वाले फिगर से कौन से वाले डाइस बनाए जाए, आप बताएं जल्दी से, कोशिश करें 10 सेकंड में करने की कोशिश करें भाई, फिर मैं आपको बताऊंगा, जल्दी से बताएं। देखो वही काम इसमें करना है, जैसे अपोजिट निकालेंगे तो 3 के अपोजिट क्या हो गया यहाँ से भाई, 3 के अपोजिट 5 हो गया, मैं इतनी बार आपको बता चुका हूँ एक छोड़ के। 4 के अपोजिट क्या हो गया भाई, 4 के अपोजिट 1 हो गया। इस 2 के अपोजिट क्या हो गया भाई, इस 2 के अपोजिट जो है ऐसे करके बनेगा ये वाला जो है रंगीन, ये ऐसे करके यहाँ पे ये रंगीन सा बन जाएगा, ये वाला जो है ऐसे रंगीन बन जाएगा ये वाला इसके अपोजिट। अब देखो, अब आप कहोगे कि भाई इसको हम फोल्ड करेंगे तो इस पे तो नंबर तो दे रखे नहीं है, कोई असर ही नहीं पड़ेगा, चाहे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, बंद करने के बाद यहाँ पे कोई असर पड़ेगा, तो ये इसका अपोजिट हो गया। तो अब हमें यही पता, अब बस हमने अपोजिट निकाल लिए तो समझो काम हो गया। अब हमें ये देखना है, तो देखो 3 और 5 में से कोई दे रखा है, 3 और 5 में से कोई नहीं दे रखा है, पहले आपको देखते ही गलत कर देना भाई। मैं आपको बता चुका हूँ एक का आना जरूरी है, यहाँ 3 और 5 में से उसने कोई भी नंबर नहीं दे रखा है, इसलिए पहला देखते ही गलत कर दो। अब दूसरे ऑप्शन पे चलें, 3 और 5 में से उसने 3 दे रखा है, 4 और 1 में से 1 दे रखा है, और 2 और इसमें से ये वाला रंगीन दे रखा है, तो ये सही है, ये ऑप्शन सही है भाई, ये भी गलत है। कैसे गलत है मैं आपको बता दूं, देखो अगर मैं इसको ऐसे बंद करूंगा तो ये रंगीन सरफेस है ना, ये 5 के साथ है और 3 के साथ है, ये वाला रंगीन जो है ये 5 के साथ है और 3 के साथ है, और मैं इसमें ऑप्शन में देखूं तो देखो 3 के साथ ये रंगी नहीं, ये वाला खाली दे रखा है, ये ब्लैंक दे रखा है, 3 नहीं दे रखा है, ये जो है 3 के साथ में ये खाली वाला दे रखा है भाई, ये रंगीन वाला नहीं दे रखा, इसलिए मैं ऑप्शन को गलत कर दूंगा। समझ में आ गई होगी ये बात, मैं जानता हूं कि ये बात आपने नहीं सीखी होगी, कुछ लोग पढ़ चुके होंगे तो उनको पता होगा। तो इस चीज़ का ऐसे ऑप्शनों में विशेष ध्यान रखना है, नहीं है हमें एग्जाम में क्या करते हैं कि देखा भाई जल्दी से हमें पता है कि इसके अपोजिट है और देखते ही आंसर कराते हैं, वो आगे जाके देखते ही नहीं है कि आगे क्या हो रहा होगा, आगे वाले ऑप्शनों में वो देखते ही आंसर कराते हैं। लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, इस चीज़ में इसी बात का ध्यान रखना है कि भाई यहाँ 3 5 के साथ में रंगीन दे रखा है, 3 के साथ रंगीन दे रखा है, तो यहाँ 3 के साथ रंगीन वाला ही आएगा, ये वाला ब्लैंक वाला नहीं आ सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी गलत हो गया भाई। अब ऑप्शन सी पे चलें, ऑप्शन सी में देखूं मैं तो देखो यहाँ पे 3 और 5 में से 5 दे रखा है, 4 और 1 में से ये 4 दे रखा है, और भाई 2 के अपोजिट रंगीन दे रखा है। अब बात करें तो देखो 4 के साथ यहाँ पे ब्लैंक के खाली वाला है, और इसने 4 के साथ में रंगीन दे रखा है भाई, यहाँ पे 4 के साथ का है, ये खाली वाला आना चाहिए, और उसने 4 के साथ 4 से ये जुड़ा हुआ है यहाँ पे ऐसे, तो ये ब्लैंक इसको फोल्ड करेंगे तो ये 4 से चुप के ही आएगा, ऐसा तो नहीं कि अलग भाग जाएगा, इसके साथ ही आएगा, इसके साथ आएगा, तो ये ब्लैंक आना चाहिए, खाली आना चाहिए, तब कि यहाँ क्या दे रखा है उसने, रंगीन दे रखा है भाई, इसको भी हम देखते ही गलत कर देंगे। तो एक ही ऑप्शन बचा, डी हमारा सही है, और इसमें भी वो कंडीशन हम चेक कर लेते हैं। देखो मैंने बताया था, देखो 3 और 5 में से 5 दे रखा है उसने, 4 और 1 में से 1 दे रखा है, इन दोनों में से ये दे रखा है।